हेलो दोस्तों, आज आपकी ईशा लेकर आई है बहुत ही प्यारी सी कहानी। दो चेहरे हमारी कहानी का नाम है। अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है, वो भी जरूर व्यक्त कीजिएगा। मेरा आज शांति निवास में ये गाना अपनी तेज धुन पकड़े हुए था, बहुत तेज बज रहा था। पूरे घर में हलचल खुशियां थी, हो भी क्यों ना, क्योंकि इस घर के छोटे बेटे विवेक की शादी थी। विवेक देखने में बहुत सुंदर, स्मार्ट और साथ में पेशे से इंजीनियर था, लेकिन स्वभाव से निहायत ही घमंडी बदतमीज था। नेहा इस घर की बड़ी बहू, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, उसकी शांति निवास में कोई इज्जत नहीं करता था। ननद ऋतु साथ साथ पूरे परिवार की आदत ही हर बात में हर रिश्तेदार के सामने जताया जाता था कि बिना दहेज शादी करके उन लोगों ने कितना बड़ा नेहा पर एहसान किया है। बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल विरुद्ध थी, क्योंकि मनोरमा जी को अपने शराबी और शकी बेटे के लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। आखिर झूठी प्रोफाइल बनाकर, झूठ बोलकर सचिन का विवाह नेहा से कर दिया गया। पढ़ी लिखी नेहा दोहरे चरित्र के लोगों के बीच में फंस गई थी। किसी से कहकर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जब भी वो अपने मायके वालों को ये बात बताती, कोई उसकी बात सुनने की बजाय उसको भाग्य का नाम दे देता। पैसा होने की वजह से समाज में रुतबा और रसूख भी ससुराल वालों का बहुत था, लेकिन दरवाजे पर लगे महंगे पर्दों के पीछे की सच्चाई बिल्कुल उलट थी। आए दिन नेहा के साथ छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करना, ताने मारना, व्यंगों के बाण चलाना आम बात थी। ऐसा कोई दिन ही नहीं बीतता था जिस दिन उसको सुख की रोटी सम्मान से नसीब हो। पूरे घर का काम करने के बाद घर के हर सदस्य के छोटे छोटे काम उसी के भरोसे थे। एक बार उसने हिम्मत करी थी आवाज उठाने की कि मुझसे अकेले काम नहीं होता। तब जवाब में आया, अच्छा महारानी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे महलों में रही हैं। बाप की औकात नहीं थी बेटी को विदा कर सके, और बेटी इतने नखरे दिखा रही है। दहेज लेकर आती तो बोलती हुई अच्छी भी लगती। गुस्से में नेहा ने भी आगे से कह दिया, पहली बात दीदी आप शायद भूल रही हैं, आप लोगों ने ही कहा था कि आप लोग दहेज के खिलाफ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात, महल में ना सही लेकिन मेरा छोटा सा मायका किसी महल से कम नहीं, जहाँ लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान है। नेहा का जवाब सुनकर माँ बेटी का मुंह बन गया। ऋतु की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने ससुराल में ना रहकर मायके में रहती थी, क्योंकि वहाँ संयुक्त परिवार की वजह से काम बहुत होता था। शाम को मनोरमा जी ने गुस्से में बात को इतना बड़ा चढ़ाकर अपने बेटे सचिन के सामने रखा कि सचिन ने नेहा को इतना मारा कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अपनी पुरानी यादों के साथ काम करते करते नेहा की आंखों के कौर गीले हो गए। तभी मनोरमा जी ने आवाज दी, कुछ ही देर में विवेक के ससुराल वाले आएंगे और खाने की तैयारी कर लेना, और हाँ सबसे जरूरी बात, अपने मायके के जेवर मुझे दे दो, वही विवेक के दुल्हन को चढ़ाऊंगी। लेकिन माँ जी, वो तो मेरी माँ के जेवर हैं, वैसे भी तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं शादी में, और हाँ इन जेवर पर हमारा हक है ना कि तेरा, समझी। नेहा ने तय कर लिया, अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगी, ना समाज के डर से ना किसी और डर से। शाम को विवेक के ससुराल वाले आ गए। सबके आवभगत के बाद विवेक के होने वाले ससुर जी कांतिलाल जी ने कहा, समधन जी मन में एक सवाल था, बुरा ना माने तो पूछूं। मनोरमा जी ने कहा, अरे आप समधी जी कैसी बातें कर रहे हैं, कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। कांतिलाल जी ने कहा, समधन जी बहुत बार मन में आया कि आपकी बड़ी बहू से कभी नहीं मिला, अगर कोई बात हो या फिर मिलना नहीं चाहती हो तो रहने दीजिए, माफी चाहूंगा, और अगर आपको मेरी बात खराब लगी हो तो माफी मांगता हूँ। अरे नहीं समधी जी, कैसी बातें कर रहे हैं, अभी बुला देती हूँ। आवाज लगाते हुए मनोरमा जी ने आरती को कहा, जरा इधर आना। और इसके बाद वो समधी जी को बताने लगी कि अरे समधी जी, बात ये है, नेहा छोटे घर से है, 2 साल हो गए लेकिन अभी भी बिल्कुल नहीं बदली, वही पुरानी सोच। हमने तो बड़ा समझाया कि अच्छे से कपड़े पहनो, थोड़ा रहन सहन बदलो, लेकिन कहाँ सुनती हैं आजकल की ये बेटियां, इनको तो बस अपना ही पड़ा है। हमने तो शादी भी बिना दहेज के करी है, ये तक कह दिया था कि अगर आपके पास ना हो तो एक साड़ी में आशीर्वाद देके अपनी बेटी को विदा कर दो। हम तो अपनी बेटी और बहू में कोई फर्क करते नहीं, जैसे हमारी ऋतु वैसे ही हमारी बहू नेहा। तभी उनकी नजर पीछे खड़ी नेहा से जा टकराई। नजरे चुराते हुए मनोरमा जी ने कहा, लीजिए आ गई नेहा। कांतिलाल जी ने नेहा को देख कर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपसे मिलना चाहता था, आप भी मेरी बेटी की तरह ही है, बारात में आप भी आइएगा। बातों बातों में उन्होंने कहा, बेटा अगर मेरी बेटी से कभी कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, छोटी बहन समझकर। अभी आपकी बेटी की उम्र कितनी है? सिर्फ 21 साल। तब नेहा ने कहा, तो अंकल जी क्या मैं जान सकती हूँ इतनी कम उम्र में अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं? बेटी आप तो जानते ही हैं आजकल समाज में दहेज कितना बढ़ गया है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिना दहेज दिए योग्य वर मिलना नामुमकिन है, सामने से इतना अच्छा रिश्ता चलकर आया है, भला कौन मना करेगा।
वैसे भी समधी जी की अमीरी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। नेहा ने बात को बीच में काटते हुए कहा, माफ कीजिएगा, थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन आप अपनी बेटी को प्यार नहीं करते या तो फिर बोझ समझते हैं, जो आप अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, बेटियां तो पिता के लिए दिल का टुकड़ा होती हैं, चाहे अमीर हो या फिर गरीब। अच्छा, फिर भी आप उसकी शादी उससे बड़े उम्र के लड़के, यानी 15 साल बड़े उम्र के लड़के से करना चाहते हैं, जो शकी शराबी और बदतमीज है, जिसके लिए लड़कियां सिर्फ एक नैपकिन की तरह है, इस्तेमाल करो और फेंको, उसके साथ कर देना चाहते हैं। अंकल जी, आप जैसी भूल मेरे पिताजी ने 4 साल पहले करी थी, जिसको मैं आज भी भुगत रही हूँ। बड़े घर के लड़कों के साथ बिना दहेज शादी के बिना जिंदगी भर एहसानों की भारी गठरी सिर पर ढोनी है, जैसा कि आज तक मैं ढो रही हूँ। मकान और रसूख देखकर लड़की की शादी नहीं, बल्कि लड़के का उसके परिवार का चरित्र और व्यवहार देखकर शादी करनी चाहिए। मैं चलती हूँ, आगे आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे आप कर लेना। जाते जाते नेहा ने अपनी सास से कहा, और हाँ माँ जी, अपनी माँ के जेवर तो मैं किसी भी शर्त पर या फिर किसी भी डर से देने वाली नहीं। कहते हुए नेहा वहां से चली गई। तभी उसको पड़ी जो उसे गुस्से में घूरते हुए देखे जा रहा था। उसके पास आकर उसने नेहा के कानों में धीरे से कहा, अब अपना हशर तुम देखोगी शाम को। आज पलटकर उसी लहजे में नेहा ने भी कहा, तो फिर आजीवन जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ तैयार रहना। घर के अंदर रहना चाहते हो या जेल के पीछे? कहते हुए नेहा वहां से चली गई। लड़की वालों ने रिश्ते से मना कर दिया। तो दोस्तों, ये तो था नेहा का जवाब, जो मुझे लगता है हर लड़की का जवाब होना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें आप अपनी बेटी के अंदर खुद ही इसको पैदा कर सकते हैं। कभी बेटी को विदा करते वक्त ये मत कहें कि बेटा जा और अब तेरी लाश ही आनी चाहिए ससुराल से। नहीं, वो ज़माना चला गया, क्योंकि बहुत सारे राक्षस आज भी पनप रहे हैं। हमेशा कहें कि अपने ससुराल में घर बसाने की कोशिश करो, लेकिन हाँ, कोई तकलीफ हो तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा गई होगी। आपके क्या विचार हैं ज़रूर व्यक्त करें। ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।